बिग बॉस 14 में आने वाला है भारी बदलाव। कंटेस्टेंट्स को मिलने वाले हैं बहुत सारी लग्जरीज। वेल, क्या है ये लग्जरीज और किस तरह का फॉर्मेट होने वाला है, किस तरह का घर होने वाला है बिग बॉस 14 का, आइए बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। उसके पहले, अगर आपने टेली मसाला इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। वेल, टेलीविजन का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 14 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेकर्स कंटेस्टेंट्स को फाइनल कर रहे हैं, घर की डिजाइनिंग शुरू हो गई है क्योंकि शो जल्द ही ऑन एयर होने वाला है। सितंबर फर्स्ट वीक से खबरें ये आ रही है। तो अब किस तरह को होने वाला है बिग बॉस 14 का ये घर, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है कंटेस्टेंट्स को, आइए बताते हैं हम आपको। वेल, सबसे पहले तो एक स्पा होगा इस घर में, स्पा का सेक्शन होगा जहां पर कंटेस्टेंट्स जाकर रिलैक्स कर पाएंगे, पूरे दिन की थकान को दूर कर पाएंगे स्पा में जाकर। वेल, ये एक नई चीज़ होने वाली है क्योंकि अब तक स्पा का सेक्शन नहीं होता था इस घर में, जो कि अब इस सीजन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वहीं दूसरा ये है कि एक रेस्टोरेंट सेटअप होगा इस घर में। जी हाँ, एक रेस्टोरेंट होगा जहाँ पर कंटेस्टेंट्स जो है वो लजीज खाना एंजॉय कर पाएंगे जब भी दिल करे उन्हें कुछ बाहर का खाने की, क्योंकि अब तक यही फॉर्मेट था शो का कि उन्हें खुद बनाकर खाना था जो भी वो बना रहे हैं। बाहर का खाना अलाउड नहीं था, पर अब एक रेस्टोरेंट सेटअप भी किया जाएगा। वहीं एक स्पोर्ट्स क्लब इंट्रोड्यूस किया जाएगा घर में। स्पोर्ट्स क्लब का सेक्शन होगा जहाँ पर कंटेस्टेंट जिम कर पाएंगे। जिम तो था ही पहले से, पर ये अलग से सेक्शन होगा जहाँ पर जिम स्विमिंग कर पाएंगे कंटेस्टेंट्स और बाकी एक्सरसाइजिंग के जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाएगी यहाँ पर, ताकि अपने फिटनेस का ख्याल रख पाएंगे कंटेस्टेंट्स। वहीं इसके बाद अगर बात की जाए तो एक सिनेमा घर, जी हाँ, खबरों की माने तो एक सिनेमा घर भी होगा बिग बॉस 14 के इस शानदार घर में, जहाँ पर कंटेस्टेंट्स अपनी फेवरेट मूवीज एंजॉय कर पाएंगे जो भी उन्हें देखना है, क्योंकि अब तक एक ही टीवी था जहाँ पर वीकेंड पे सलमान खान जो शो के होस्ट है उनके साथ बातचीत होती थी कंटेस्टेंट्स की, पर अब वो अपनी फेवरेट मूवीज देख पाएंगे घर में। वहीं इस सीजन में कंटेस्टेंट्स को दिए जाएंगे इलेक्ट्रिक गैजेट्स, जी हाँ, जो कि अब तक फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था, पर अब उन्हें एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर वो अपने फ़ोन के साथ व्लॉगिंग कर पाएंगे, अपने फैमिली को मैसेज दे पाएंगे, वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड कर पाएंगे और बाकी व्लॉगिंग भी कर पाएंगे ताकि अपने फैंस तक वो पहुंच पाए घर के अंदर से ही। अब तक ये कभी नहीं हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। अब तक वो उनके फैमिली के साथ बात नहीं कर पा रहे थे कंटेस्टेंट, सिर्फ एक बार होता था जब वो फैमिली वीक होता था, जब फैमिली बिग बॉस की मर्जी से फैमिली के कोई एक या दो मेंबर घर के अंदर जाकर कंटेस्टेंट्स से मिलते थे, वो भी कुछ ही टाइम के लिए बिग बॉस की मर्जी की वजह से, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्हें इलेक्ट्रिक गैजेट्स की सुविधाएं दी जाएगी, वो अपने फैमिली के साथ बात कर पाएंगे, वीडियो मैसेजेस भेज पाएंगे। वहीं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर सोर्सेज की माने तो जो इंट्रोड्यूस होने वाली है इस घर में, वो है शॉपिंग। जी हाँ, शॉपिंग का सेक्शन अलग से दिया जाएगा कंटेस्टेंट्स को, जहाँ पर वो अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद पाएंगे। वेल, अब इसमें ये सारी जो चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही है, इसमें टास्क में किस तरह का इन्वॉल्वमेंट होगा इनका, ये सब तो शो के आने के बाद ही पता चलेगा, पर इट इज़ रियली सरप्राइजिंग कि इतने सारे नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं बिग बॉस के घर में। यानी इस बार का बिग बॉस का घर जो कि है, ये सारी चीज़ें अगर इंट्रोड्यूस हो गई तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस होने वाला है। आई एम श्योर कंटेस्टेंट्स बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। वहीं अगर शो की बात की जाए तो ये तो हमने आपको बताया है कि शो को होस्ट कर रहे हैं सलमान खान, उन्होंने अपनी फ़ीस जो 14 करोड़ थी वो 16 करोड़ डिमांड की है पर वीक। तो ये थी खबरें और बहुत सारे नाम आ रहे हैं बिग बॉस 14 की बात करें तो कंटेस्टेंट्स के, जैस्मिन बसिन है, शांति प्रिया है जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया है, ऐसे बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बिग बॉस 14 का ये जो आलिशान घर होने वाला है, इस घर में आप कौन से कंटेस्टेंट को देखना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कौन फिट बैठता है इस कॉन्ट्रोवर्शियल शो में, अपने लाइक्स और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए टेली मसाला।